नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के पवित्र महीनों में से एक सावन का विशेष महत्व होता है। मूल रूप से यह पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक में जितने भी सोमवार आते हैं, शिव भक्तों के लिए भी वे सभी सोमवार बेहद मायने रखते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार को भक्तगण उपवास रखकर शिव की आराधना करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से सावन सोमवारी करने वाले की कामना को भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही इस पूरे सावन महीने में शुद्ध शाकाहारी भोजन करने और सात्विक दिनचर्या अपनाने की परंपरा रही है। ऐसे में अब सावन महीने के आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और हिंदी महीने और अंग्रेजी महीने की तारीख अलग अलग होने के कारण कई लोगों को हिंदी के महीनों की तारीखों को लेकर कन्फ्यूजन हो जाती है, जिस कारण लोग कई बार नियम निभाने में गलती कर बैठते हैं। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सावन महीने की शुरुआत किस तारीख से होगी या कब तक रहेगी, और साथ ही यह भी बताएंगे कि इस बार कितनी सोमवारी के अवसर बन रहे हैं। इस बार सावन महीना 25 जुलाई से शुरू होने वाला है, जो कि अगस्त महीने की 22 तारीख तक चलेगा। खास बात यह है कि सावन की शुरुआत रविवार को ही होगी और इसके खत्म होने का दिन भी रविवार ही होगा। पूरे महीने के दौरान चार सोमवार आ रहे हैं, यानी कि चार सोमवारी होंगे। पहली सोमवारी की पूजा सावन महीने के दूसरे दिन 26 जुलाई को की जाएगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। खासकर शिव को अत्यंत प्यारा बेलपत्र और धतूरा और दूध चढ़ाने की खास परंपरा है। सावन में बेलपत्र के बिना शिव का श्रृंगार अधूरा लगता है। माना जाता है कि साफ मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वाले भक्तों के कष्ट, दुख एवं अकाल मृत्यु को भगवान शिव अपनी विशेष कृपा से हर लेते हैं। साथ ही सोमवारी को हिंदू पौराणिक मान्यताओं में फलदायी व्रत भी बताया गया है। सावन की सोमवारी के दिन शिव की विशेष पूजा होती है और भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की प्रार्थना भगवान से करते हैं। मान्यताओं के मुताबिक कुंवारी कन्याओं को प्रत्येक सोमवार का व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि शिव के समान पति की प्राप्ति के लिए कन्याएं शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करती हैं। पूरे महीने में महिलाएं हरी चूड़ियां और सोमवारी के दिन खासकर हरे वस्त्र पहनती हैं। हालांकि हर साल शिव मंदिरों में लोगों की भीड़ पूजा करने के लिए उमड़ पड़ती है, मगर इस बार कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से सभी तरह के धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद ही रखने का आदेश दिया है। हालांकि कोरोना के मामलों को कम होता देख आगे सरकार मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला ले भी सकती है। फिलहाल 6 अगस्त तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऐसे में शिव भक्त अपने अपने घरों में ही शिव की पूजा करेंगे। बिहार में ऐसे कई खास शिव मंदिर हैं, जहां हर साल लाखों लोग कांवड़ में जल भरकर पहुंचते हैं और बड़ा सोमवारी या फिर श्रावणी मेला लगता है, मगर इस बार इन सब पर ग्रहण लग सकता है। तो चलिए आपको ऐसे ही कुछ खास शिव मंदिरों के बारे में बताते हैं जो कि बिहार में फेमस है। इनमें से साहिबगंज में बाबा गजेश्वरनाथ धाम, सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर, बक्सर में ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर, मधुबनी में कपिलेश्वर महादेव मंदिर, लखीसराय में अशोकनाथ मंदिर, बेगूसराय के गढ़पुरा में हरिगिरी धाम मंदिर, दलसिंहसराय का विद्यापति धाम आदि काफी मशहूर है। इन मंदिरों में हर साल श्रावणी मेला लगते हैं, जहां लाखों भक्त पूरे महीने में आते हैं। हालांकि इस बार ऐसा नजारा देख पाना मुश्किल है। ऐसे में हमारी भी अपील है कि इस सावन घर में सुरक्षा मानकों के साथ शिव की आराधना करें और इस महामारी से निजात के लिए प्रार्थना करें। जाते जाते आप अपने क्षेत्र के फेमस शिव मंदिर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।